नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन। वनडे वर्ल्ड कप 2023 अपने आखिरी स्टेज में अब पहुंच चुका है। लीग स्टेज के तीन ही मैच अब बाकी रह गए हैं, जिनमें से दो मैच आज खेले जा रहे हैं। 12 नवंबर को भारत और नीदरलैंड के बीच लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। अब तक हुए इस टूर्नामेंट के 42 मैचों में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले इंटरनेशनल प्लेयर बने। चोट से तड़पते ग्लेन मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई और नीदरलैंड के प्लेयर्स फील्डिंग के दौरान चिट पर स्ट्रेटजी पढ़ते नजर आए। टूर्नामेंट के ऐसे ही टॉप 8 मोमेंट्स को फिर से रिविजिट करते हैं और आज इस पूरी वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले टाइम आउट हुए मैथ्यूज। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 6 नवंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच बेंगलुरु में मैच खेला गया। श्रीलंकाई पारी के 25वें ओवर में सदीरा समरविक्रमा का विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज ग्राउंड पर खेलने आए। वह बैटिंग के लिए तैयारी हो रहे थे, तभी उनके हेलमेट का स्ट्रैप जो है वो टूट गया। ऐसे में उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया। जब तक ड्रेसिंग रूम से हेलमेट आता और मैथ्यूज खेलने उतरते, 2 मिनट का समय निकल चुका था। वहीं बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने अंपायर से मैथ्यूज को टाइम आउट देने की अपील कर दी। अंपायर ने शाकिब से भी पूछा कि वह ऐसा मजाक कर रहे हैं क्या या वाकई अपील कर रहे हैं। तो इस पर शाकिब अपील पर कायम नजर आए और मैथ्यूज को आउट करार दे दिया गया। मैथ्यूज इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट के रूप में आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दूसरे बड़े मोमेंट की बात करें तो रिवर्स कूप पर बोल्ड आउट हुए रूट। 8 नवंबर को इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच पुणे में मैच खेला गया। पहली पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट रिवर्स कूप खेलने के चक्कर में बोल्ड आउट हो गए। 21वें ओवर में लॉगन वॉन बीक बॉलिंग करने आए। उन्होंने अपने 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर गुड लेंथ पर मिडिल स्टंप की ओर बॉल फेंकी। रूट रिवर्स कूप करने गए, लेकिन बॉल उनके बैट और पैड्स को मिस करते हुए स्टंप्स पर जा टकराई। चलिए तीसरा बड़ा मोमेंट आपको बताते हैं। दर्द से तड़पते हुए मैक्सवेल की डबल सेंचुरी। 7 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुंबई के वानखेड़े में मैच खेला गया। 292 रन का टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 91 रन पर अपने 7 विकेट गंवा दिए। नंबर 6 पर बैटिंग करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने नंबर 9 पर उतरे पैट कमिंस के साथ पारी को वहां से आगे बढ़ाया। मैक्सवेल के 2 कैच जरूर छूटे, उन्होंने बैटिंग को जारी रखा और बैटिंग के दौरान ही उन्हें पीठ में दर्द की शिकायत के साथ खेलना पड़ा। उन्होंने हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट भी झेली और करीब 2.5 घंटे तक बैटिंग करते नजर आए। वह कई बार जमीन पर भी गिरे, इसके बावजूद उन्होंने बैटिंग को जारी रखा और 201 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। उन्होंने कमिंस के साथ 202 रनों की अहम पार्टनरशिप भी की थी। बात करें चौथे बड़े मोमेंट की तो 95 रन पर कैच आउट हुए थे विराट कोहली। 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला के बीच मैच खेला गया। 274 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 71 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। वहां यहां बैटिंग करने आए विराट कोहली ने एक एंड संभल कर टारगेट को चेस करना शुरू किया। उनके सामने 191 रन के स्कोर तक 5 विकेट गिर गए थे। कोहली ने 6 विकेट के लिए रविंद्र जडेजा के साथ 50 से अधिक रनों की साझेदारी की और टीम के साथ जीत के करीब ले गए। 48 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। यहां विराट कोहली को भी सेंचुरी लगाने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। कोहली ने मैट हेनरी के ओवर की पहली गेंद पर 2 रन ले लिए। अगली गेंद डॉट रही और तीसरी गेंद पर कोहली ने शॉर्ट बॉल को पुल कर दिया, लेकिन सिंगल लेने से मना कर दिया। चौथी बॉल हेनरी ने गुड लेंथ पर स्लोअर वन फेंकी और कोहली ने मिड विकेट पर छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन डीप मिड विकेट पर वो कैच आउट हो गए। कोहली वर्ल्ड कप में पहली बार नर्वस 90s का शिकार हुए और 95 रन बना करके आउट हो गए। हालांकि भारत ने 2 ही गेंद बाद इस मैच में जीत दर्ज की थी। चलिए एक और बड़ा मूवमेंट आपको बताते हैं कि मैदान पर चिट पढ़कर स्ट्रैटेजी बनाते नजर आए डच प्लेयर्स। क्वालिफाई के जरिए वर्ल्ड कप खेलने आई नीदरलैंड टीम ने वर्ल्ड कप में 2 मैच जीते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हरा दिया है। जहां डच टीम अब तक 8 मैच खेल चुकी है और ज्यादातर मैचों में टीम के खिलाड़ी फील्डिंग के दौरान मैदान के अंदर चिट लेकर गेम प्लान पढ़ते नजर आते हैं। बात करें एक और बढ़िया मोमेंट का तो हार्दिक ने मंत्र पढ़कर गेंद डाली और विकेट मिल गया। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में मैच खेला गया। पहली पारी के 13वें ओवर की बात है जब दूसरी बॉल हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी। इस पर इमाम उलक ने चौका जड़ दिया था। अगली बॉल से पहले हार्दिक ने गेंद हाथ में ली और मंत्र पढ़ने की तरह गेंद को कुछ बोलते नजर आए। तीसरी बॉल उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ फेंकी और इमाम कॉट आउट हो गए। विकेट लेने के बाद हार्दिक ने इमाम को सेंड ऑफ देते हुए पवेलियन जाने का इशारा भी किया। बात करें एक और खास मोमेंट की तो इरफान पठान ने राशिद खान के साथ किया डांस। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को चेन्नई में मैच खेला गया। अफगानिस्तान ने वनडे इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को हराया और 8 विकेटों से इस मैच में जीत दर्ज की। मैच खत्म होने के बाद अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए मैदान का चक्कर भी लगाया। मैदान का चक्कर लगाने के दौरान भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान, जो कि अब कमेंट्री कर रहे हैं, उनके साथ राशिद ने डांस भी किया। दोनों स्टेडियम में बज रहे गानों पर भांगड़ा करते नजर आए।
डांस के बारे में पूछे जाने पर राशिद खान ने कहा कि उन दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद भी डांस किया था। तो जब अब अफगानिस्तान में बहुत फेमस भी ये डांस हो गया, वो डांस लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्हें पाकिस्तान पर जीत करने के बाद एक बार फिर इसे दोहराना पड़ा। चलिए एक और बेहतरीन क्रिकेट मोमेंट आपको बताते हैं। 0 पर आउट हो गए थे विराट कोहली, रूट और स्टोक्स। भारत और इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को लखनऊ में मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में भारत के विराट कोहली, इंग्लैंड के जो रूट और बेन स्टोक्स 0 पर आउट हो गए। तीनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप में पहली बार 0 पर आउट हुए थे। पहली पारी में विराट कोहली 8 गेंद खेलने के बाद डेविड विली की बॉल पर कैच आउट हो गए और दूसरी पारी में जो रूट को पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने LBW कर दिया। उनके बाद स्टोक्स 10 गेंद खेलने के बाद मोहम्मद शमी की गेंद पर बोल्ड आउट हुए। तो ये थे इस विश्व कप के सबसे खास और यादगार लम्हे। आप हमें वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वो मोमेंट सबसे अच्छा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।